हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। हमारा क्वेश्चन है, एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड, एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर ऑन टर्बाइन। एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर ऑन टर्बाइन। ठीक है, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ऑप्शन बी ब्लेड वेलोसिटी, ऑप्शन सी नेट हेड एंड ऑप्शन डी फ्लो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई 2015 फ्रॉम फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बताना है कि आपको कि कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इन केस ऑफ टर्बाइन में, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल टर्बाइन ब्लेड्स, हमारा जो टेंजेंशियल फोर्स और थ्रस्ट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स और थ्रस्ट जो हमारा होता है Ft इक्वल्स टू m इंटू Vw1 प्लस Vw2। ठीक है, अब आगे है जो हमारा एक्सियल फोर्स और थ्रस्ट यानी कि Fa इक्वल्स टू m इंटू Vf1 प्लस Vf2। ये होता है जहाँ पे हमारा जो Vw1 है व्हील वेलोसिटी है और VW व्हील वेलोसिटी है और Vf है हमारा Vw व्हील वेलोसिटी और Vf हमारा है फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमारा जो m है, m क्या है, m हमारा स्टीम फ्लो रेट है। ठीक है, m इक्वल्स टू स्टीम फ्लो रेट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टीम फ्लो रेट, तो इन दोनों के केस में हम लोग देख रहे हैं जो m है वह दोनों में रिलेटेड है, यानी कि जो फोर्स और थ्रस्ट है हमारा वो m पे डिपेंडेंट है। इसलिए हमारा जो पैरामीटर होगा वह होगा फ्लो। ठीक है, जो डिपेंड करेगा पैरामीटर वह फ्लो होगा। तो आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फोर्स और थ्रस्ट है वह m पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसलिए हमारा जो लोड होगा वो m पे डिपेंडेंट होगा, तो हमारा पैरामीटर होगा फ्लो। इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।